नमस्कारम एंड आप में से हर एक को दीपावली की शुभकामनाएं और आशीर्वाद। दीपावली का मूल अर्थ है रोशनी का एक त्योहार। दीप यानी कि दिया। आपको लाखों दियों के महत्व को समझना चाहिए। जब शाम के समय बिजली नहीं होती थी तब कितना शानदार अनुभव हुआ करता होगा, बिना किसी इलेक्ट्रिक लाइट के, सिर्फ तेल के दिए जब हर कोई रोशनी करता था तो ये कितना अच्छा लगता होगा। ये सब कैसे शुरू हुआ, इस पर कई कथाएं हैं। एक कथा देश में, एक सबसे आम कथा ये है कि ये वही दिन है जब कृष्ण ने नरकासुर को परास्त किया था, तो इसीलिए नरक चतुर्दशी है और फिर दीपावली है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लोगों का ऐसा विश्वास है कि इसी दिन राम 14 साल जंगल में रहने के बाद अयोध्या वापस आए थे, तो उस दिन श्री राम का स्वागत करने के लिए सभी नागरिकों ने दिए जलाए थे और इस तरह दिवाली मनाई जाने लगी। और भी ऐसी कई छोटी कथाएं हैं। कथा जो भी हो, सरल बात यह है कि जब इंसान खुद में कुछ स्पष्टता लेकर आता है तो वो खुद में रोशनी महसूस करता है। तो मूल रूप से दीपावली का त्योहार एक प्रतीक है, अज्ञानता पर स्पष्टता की जीत का प्रतीक है। अज्ञानता को हमेशा अंधकार की तरह देखा गया है और स्पष्टता को रोशनी की तरह। तो इस तरह से दीपावली इंसानी जीवन की संभावना का उत्सव है। वैसे अगर आप एक उल्लू होते, मैं आपको ये बोल नहीं रहा हूं, अगर आप एक उल्लू होते तो रोशनी आपको परेशान करती और अंधेरा स्पष्टता लाता। But for the human visual apparatus, पर इंसानी आंखों के लिए अंधेरा स्पष्टता नहीं लाता, रोशनी स्पष्टता लाती है। इसलिए हम रोशनी को स्पष्टता के रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि हमारी देखने और बोध करने की क्षमता और अपने जीवन को बेहतर बनाने की हमारी क्षमता रोशनी पर निर्भर है। इसीलिए दीपावली बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप वाकई अज्ञानता से छुटकारा नहीं पा सकते, नहीं आप अंधेरे को दूर कर सकते हैं। अगर इस कमरे में अंधेरा है तो आप अंधेरे को यहां से बाहर नहीं भगा सकते, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक ही तरीका है कि रोशनी की जाए। तो रोशनी का यही महत्व है। रोशनी की कमी ही अंधेरा है। अंधेरा कोई निपट लेने वाली चीज नहीं है। अगर आप जगमगा उठें, अंधेरा गायब हो जाएगा। अगर आपको अंधेरे को मिटाना है, रोशनी ही इकलौता उपाय है। इसीलिए अगर आपको अपने खुद के अंधेरे को मिटाना है तो आत्मज्ञान ही इकलौता उपाय है। बस एक ही समाधान है, आत्मज्ञान। और हमारे आत्मज्ञान से जुड़ी हर एक चीज, जीवन को ज्यादा गहराई से देखने की क्षमता, ये सारी चीजें रोशनी और अंधेरे से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए गुरु शब्द का मतलब है गु और रू। गु यानी अंधेरा, रू यानी मिटाने वाला। तो वो जो आपका अंधकार दूर करता है वो गुरु है। हर आध्यात्मिक शब्द रोशनी से जुड़ा है, क्योंकि स्पष्टता और रोशनी हमारी समझ में आपस में जुड़े हुए हैं। अज्ञानता की बुनियाद क्या है? हमारे लिए अज्ञानता के परे जाना इतना जरूरी क्यों है? The basis of ignorance is not realizing the nature of our own existence. अज्ञानता की बुनियाद है अपने खुद के अस्तित्व की प्रकृति को न जानना। यानी कि अब जब हम ह्यूमन बन गए हैं तो एक जरूरी बात यह है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे रहा जाए। अगर आपको पता होता कि कैसे रहना है तो आप खुद को आनंदित रखते या दुखी? स्वाभाविक है आनंदित, आप अपने लिए यही चुनते। इंसानों की होने की क्षमता एक बहुत हद तक सेंसर हो गई है या कम कर दी गई है, क्योंकि हमने अपनी सीमाओं से अपनी पहचान जोड़ ली है। तो जब हम रोशनी करते हैं, अगर एक व्यक्ति इस कमरे में रोशनी लेकर आ जाए तो अपने आप हर कोई यहां उसका अनुभव करेगा। रोशनी का यही महत्व है कि अगर हम इस कमरे में 5 दिए लाएं तो हमें न सिर्फ अपने, ये आपकी दौलत की तरह नहीं है, ये आपके पैसे की तरह नहीं है। अगर हम सब अपनी जेबों में $1-1 million ले आएं तो भी हमारे पास $1 million होंगे।
जब तक कि हम इसे मिला न दें। पर अगर हम सब 5 दिए लेकर आएं, तो हम सभी के जीवन पर 5 रोशनियों का असर होगा। तो यही रोशनी की प्रकृति है और यही चेतना की प्रकृति है। जब आप चेतन हो जाते हैं तो सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इसी में इंसान का विकास होता है, इसी में आत्मबोध होता है और इसी में आत्मज्ञान होता है। इसी में हमारे आसपास के सभी लोगों की खुशी और खुशहाली होती है। तो इस दिवाली पर मैं चाहता हूं कि आप सभी कम से कम एक सरल चीज करें, खुद पर कम से कम 20 मिनट बिताएं और देखें कि कैसे आप स्पष्टता ला सकते हैं। स्पष्टता लेकर आने के लिए सबसे पहले आपको अज्ञानता के जाल पहचानने होंगे। क्या है जो आपको सीमित करता है, उसे पहचानिए और देखिए कि क्या आप एक जाल को तोड़ सकते हैं, और आप देखेंगे कि जीवन कितनी अलग अलग तरीकों से जगमगा उठेगा। अगर आपको अपने आप ये करना ना आए, तो हम आपको जरूरी साधन देने के लिए तैयार हैं ताकि आप ये कर सकें। दिवाली के इस दिन पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आपके जीवन का अनुभव बेहतरीन हो और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में एक नई रोशनी आए। नमस्कारम।